हेलो एवरीवन, टैक्सेशन लॉ की क्लास में आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पार्ट टू के बारे में। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का पार्ट वन और इससे जुड़े हुए सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज उसका एक बचा हुआ पार्ट है, ये ज्यूरिसडिक्शन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, यानी कि जो आयकर प्राधिकारी होते हैं उनका क्षेत्राधिकार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी मैं आई एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ आप सभी को कि ये नोट्स जो है मैंने इंग्लिश में बनाए हैं और हिंदी में मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको इनसे लाभान्वित होंगे। और यहाँ पर आप इंग्लिश में इनको नोट कर सकते हैं और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ साथ के साथ समझाती चलूँगी, वैसे अपनी कॉपी में उनको उतारते चले जाएँ। ठीक है, एक अपना अलग रजिस्टर जो आप लोगों का टैक्सेशन लॉ का जो मैंने आप लोगों को क्लास में बनवाया था उसको फॉलो करें। इसके लिए उसमें आप अपने डिटेल्स जो है, कुछ टॉपिक्स तो हमने क्लास में कवर कर लिए थे, उसके अलावा जो ये टॉपिक आप लोगों के बच गए हैं इन टॉपिक्स को आप लोग क्या करें कि साथ के साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे उतारते चलें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, यानी कि आयकर प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार, इसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है। तो इसके बारे में बात करता है सेक्शन 120 ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम का की धारा 120। इस अधिनियम की धारा 120 बात करेगी। सबसे पहले ये कहती है कि इसका सबसेक्शन 1, इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ऐसे कोई कार्य, ऐसी कोई शक्तियाँ जो है उनका वो करेगी, उनका यूज़ करेगी और अपने सारे कार्य करेंगी, कन्फर्ड ऑन देम, जो उनको सौंपे गए हैं इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय द बोर्ड और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथोराइज बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ कौन से बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि CBDT की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर CBDT जो उनको डायरेक्शंस देगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, अपने कार्य करेंगे, या फिर CBDT के अलावा यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अलावा अगर कोई अन्य इनकम टैक्स अथॉरिटी जो भी जो प्राधिकृत है उनको निर्देश देने के लिए, वो अगर उनको किसी प्रकार का निर्देश देती हैं तो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो उस निर्देश के अकॉर्डिंग अपने कार्य करेंगी और अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सबसेक्शन वन, सेक्शन 120 का सबसेक्शन वन क्लियर होता है यहाँ पर। सबसेक्शन टू कहता है एनी सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स मे बी इशूड हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब इस किस क्राइटेरिया के तहत वो अपने इन डायरेक्शंस, ये जो अपने डायरेक्शंस और ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करेगा कि क्षेत्राधिकार में रहते हुए। तो देखिए उसके क्षेत्राधिकार कोई भी हो सकता है, जैसे कौन कौन सा क्षेत्राधिकार हो सकता है जिसको इनकम टैक्स अथॉरिटी या जिसके तहत काम करेंगे, तो क्षेत्राधिकार को यहाँ पर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनका क्षेत्राधिकार डिवाइड किया जा सकता है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिटोरियल एरिया के आधार पर। ठीक है, क्षेत्राधिकार के आधार पर। अब क्षेत्राधिकार कैसे, जैसे पिन कोड नंबर के आधार पर कि भाई फला क्षेत्र को का जो पिन कोड है उसमें उसको आप वो उसका आपका ज्यूरिसडिक्शन है, दूसरे में किसी दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी का ज्यूरिसडिक्शन है, इस तरह से, या फिर कॉरपोरेशन और डिवीज़न नंबर आदि के आधारों पर भी क्षेत्राधिकार का बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया क्षेत्राधिकार। दूसरा जो कैटेगरी है वो डिवाइड की जाती है पर्संस और क्लास ऑफ पर्संस के आधार पर, यानी कि व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग है ना, इनके आधार पर भी उनको वो अपने ज्यूरिसडिक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनीज़ है, ट्रस्ट्स हैं, जैसे कंपनीज़ का काम कोई दूसरी अथॉरिटी देखेगी और ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं, न्यास वगैरह, उनसे संबंधित जो इनकम होती है उनके ऊपर कैसे टैक्सेशन लॉ अप्लाई करना है वो सब अलग दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी देखेगी। तो इस तरह से भी इनका ज्यूरिसडिक्शन डिवाइड होता है। सी, इनकम और क्लास ऑफ इनकम, आय या आय का कोई वर्ग, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ये जो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे वेतन से संबंधित जो है वो जो है क्षेत्राधिकार किस अथॉरिटी का होगा, किसी दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी का होगा, वहीं पे गृह संपत्ति से जो आय हो रही है उसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य इनकम टैक्स अथॉरिटी का होगा, ऐसे करके डिवाइड कर दिया जाता है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज कैटेगरी डी, दिस इज केसेस और क्लास ऑफ केसेस, है ना, मामले या मामलों के वर्ग, जैसे किससे संबंधित हुए, जैसे मान लीजिए प्रोफेशन से संबंधित कोई मामले हैं तो वो देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित मामले हैं तो वो देखेंगे। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो है वो केसेस मामलों को भी डिवाइड कर दिया जाता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से ये सबसेक्शन टू हुआ हमारा सेक्शन 120 का। सबसेक्शन थ्री कहता है द बोर्ड कैन ऑथोराइज्ड
अब बोर्ड के पास, बोर्ड की पावर्स को बता रहा है सबसेक्शन 3। ये कह रहा है द बोर्ड कैन ऑथोराइज्ड एनी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स टू परफॉर्म सच फंक्शंस ऑफ एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी। द बोर्ड कैन ऑल्सो एम्पावर एनी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। ये सारी कैटेगरीज हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ना मैंने लिखवाई थी आपको, ठीक है। टू इश्यू ऑर्डर इन राइटिंग टू द इफेक्ट दैट द पावर एंड फंक्शंस कन्फर्ड और असाइंड टू एन असेसिंग ऑफिसर शैल बी एक्सरसाइज्ड एज बाय द जॉइंट कमिश्नर इन एनी केस द बॉडी और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ कैन कन्फर ज्यूरिसडिक्शन विद मोर देन वन इनकम टैक्स अथॉरिटी इन रिलेशन टू एनी केस। एक से ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि हम जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सीबीडीटी की, तो जो सीबीडीटी है वो किसी भी अन्य आयकर प्राधिकरण के ऐसे कार्यों को करने के लिए, किसी भी ऐसे कार्य का मतलब जो भी सारा के अंदर उसको सौंपे जा रहे हैं जो रिजिक्शन के जो कार्य हैं, तो जो पिछले हमने चारों कैटेगरीज पढ़ी ना वो कैटेगरीज है ना, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बोर्ड किसी भी अन्य आयकर प्राधिकरण को, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ऐसे कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रमुख महानिदेशक, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल की, या महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल हुआ, या प्रधान निदेशक या प्रिंसिपल डायरेक्टर हुआ, या जो आपका है ये आयकर निदेशक डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उनको अधिकृत कर सकता है, ठीक है। कार्य को करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है बोर्ड किसी भी प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को इस आशय का लिखित आदेश जारी करने का भी अधिकार दे सकता है। देखिए लिखा हुआ है ना मैंने ऑर्डर इन राइटिंग टू द इफेक्ट, इस आशय का लिखित आदेश जारी करने का अधिकार भी दे सकता है कि किसी निर्धारण अधिकारी को सौंपे गए अधिकारों और कार्यों का प्रयोग किसी भी मामले में संयुक्त आयुक्त द्वारा किया जाएगा। बोर्ड या इस संबंध में अधिकृत, अच्छा तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जैसे लास्ट पैराग्राफ में जो लिखी है द बोर्ड और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो बोर्ड या इस संबंध में अधिकृत अगर कोई मान लीजिए अन्य प्राधिकरण है, जो अन्य आयकर प्राधिकरण है, किसी भी मामले के संबंध में एक से अधिक आयकर प्राधिकरण को एक साथ अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकता है, यानी कि हो सकता है कि मान लीजिए कोई अधिकार क्षेत्र बड़ा हो तो वहाँ पर वो एक से अधिक जो है वो आयकर प्राधिकरणों को दे दिया जाए, उनके ज्यूरिसडिक्शन में आए, ठीक है। फिर लास्ट सबसेक्शन जो इसका सबसेक्शन 4th वो कहता है अ जॉइंट डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी कन्फर्ड और असाइंड द ड्यूटीज ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर सेम एज जॉइंट कमिश्नर। कहने का मतलब है कि जो एक जॉइंट डायरेक्टर है, यानी कि एक संयुक्त निदेशक को भी एक कर निर्धारण अधिकारी के कर्तव्य, यानी कि एक असेसिंग ऑफिसर के कर्तव्य संयुक्त आयुक्त की तरह ही सौंपे जा सकते हैं, क्लियर। वो भी वैसे कर्तव्य को फुलफिल करेगा अगर उसको सौंपे जाते हैं तो, ठीक है। तो ये हुआ 120। देन वी डिस्कस अबाउट 124 दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। अभी तक तो हम इनकम टैक्स अथॉरिटी के ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे असेसिंग ऑफिसर की, ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर शैल हैव द फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन इन एरिया और विद इन सच एरिया। ये एरिया मैंने दो बार लिख दिया है बाय मिस्टेक, आप इसे इरेज कर लें, ठीक है। इन एरिया और विद इन सच एरिया, ओके। तो यहाँ पर हम असेसिंग ऑफिसर अब किस किस क्षेत्राधिकार में अपने कार्य कर सकता है वो देखते हैं। फर्स्ट, इफ़ एनी पर्सन कंडक्ट्स हिज बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम द एरिया देन इन रिलेशन टू दैट पर्सन। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से अपना कारोबार या व्यवसाय संचालित करता है तो उस व्यक्ति के संबंध में उसको क्षेत्राधिकार हुआ असेसिंग ऑफिसर को। समझ में आई बात? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कर निर्धारण अधिकारी को किसी भी क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, जिसमें से फर्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी उस क्षेत्र से अपना कारोबार या व्यवसाय संचालित करता है तो उस व्यक्ति के संबंध में किसको क्षेत्राधिकार होगा, जो कि जो असेसिंग ऑफिसर उस क्षेत्र का में ज्यूरिसडिक्शन रखता है, सिंपल। सेकेंड आपको कहता है इफ़ अ पर्सन कैरीज ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन इन मोर देन वन प्लेसेस। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों से अपना कारोबार या व्यवसाय का संचालन करता है तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में द प्रिंसिपल और मेन प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड इन दैट एरिया। तो ऐसे में जो है उस क्षेत्र में स्थित व्यवसाय का या कारोबार का प्रधान स्थान जो है वो क्षेत्राधिकार में होगा, जो मेन ऑफिस होगा वो क्षेत्राधिकार में समझा जाएगा। थर्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर रेजिडेंट इन दैट एरिया, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य के संबंध में भी उसको क्षेत्राधिकार होगा उस असेसिंग ऑफिसर को। क्लियर हो गई बात? फिर बात करते हैं हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए,
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसी से जुड़ी हुई है 124 से. ये कहते हैं कि एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर टू असेस एनी पर्सन शैल बी डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. कहने का मतलब है कि जहाँ किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार से संबंधित, जो भी उसको सौंपे गए ना ऊपर, ऐसे क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई विवाद हो गया, मान लो डिस्प्यूट हो कि ये कोई एक टैक्स, एक असेसिंग ऑफिसर कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है नहीं तुमको कोई अधिकार नहीं ये मेरा है, तो ऐसा अगर कोई विवाद उनके बीच में जुरिसडिक्शन को लेकर है तो इसका निर्णय आयकर के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल और या फिर मुख्य आयुक्त जो आपका चीफ कमिश्नर है या कमिश्नर द्वारा किया जाएगा, आयुक्त द्वारा किया जाएगा. सिंपल. सेकंड टॉपिक कहता है इफ द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन इज रिलेटिंग टू एरियाज विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट डायरेक्टर जनरल्स चीफ कमिश्नर्स और कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स देन द कंसर्न्ड अथॉरिटीज कैन डिटरमाइन द इशू. यानी कि यदि जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, विभिन्न महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से संबंधित है तो ऐसे विवाद को उनके बीच पारस्परिक सहमति से सुलझाया जाना चाहिए. ठीक है, तो उनको आपस में सहमति से सुलझाना है उन लोगों को. ठीक है, थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट कहता है इफ़ दे आर नॉट इन एग्री, अगर मान लीजिए ऐसे वो आपसी सहमति से आपस में सहमत नहीं हो पाते, अपने मामला नहीं सुलझा पा रहे हैं ये प्राधिकारी, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर. कहने का मतलब है यदि ऐसे भी मामला प्राधिकारी जो है आपसी सहमति से मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मामलों का निर्णय जो है वो बोर्ड द्वारा किया जाएगा, या फिर जहां बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है जो प्राधिकृत महानिदेशक है या मुख्य आयुक्त है या आयुक्त है, इन सबके द्वारा, जो मैंने लिख दी है यहाँ पे पोस्ट, इन सबके द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा किया जाना है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा जुरिसडिक्शन के बारे में, और ये जो आपका टॉपिक था इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ये अब आज हमारा यहाँ पर इस तरह दो लेक्चर्स में ख़त्म होता है. बच्चों, अगले टॉपिक के साथ हम आगे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक बाय बाय.